आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर एस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में। तो साथियों इसमें हम ये भी जानेंगे कि चकबंदी अधिकारी का क्या तात्पर्य है। चकबंदी अधिकारी को इंग्लिश में कंसोलिडेशन ऑफिसर कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सीओ कहा जाता है। तो साथियों चकबंदी अधिकारी वह व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम या तदांतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी अधिकारी के अधिकारों प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इसी रूप में नियुक्त करती है। चकबंदी अधिकारी के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य जो निम्नलिखित हैं उनको हम व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 चकबंदी अधिकारी के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य। ये हमारा भाग 13 का वीडियो यानी चकबंदी के संबंध में 13वां वीडियो है। चकबंदी अधिकारी का तात्पर्य है, चकबंदी अधिकारी वह व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम या तदांतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इसी रूप में नियुक्त करती है। उसके बाद हम देखते हैं चकबंदी अधिकारी के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं, यानी जो चकबंदी अधिकारी है उसको इस अधिनियम में कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कौन से उसके कर्तव्य हैं। तो साथियों अब देखते हैं, नंबर एक है, जो नंबर एक है धारा 9 का की उपधारा 2 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी धारा 9 के अधीन प्रस्तुत की गई उन समस्त आपत्तियों का निस्तारण करता है जो सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा नियमता भेजी जाती हैं। इसमें बताया गया है धारा 9 का की उपधारा 2 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी धारा 9 के अधीन प्रस्तुत की गई उन समस्त आपत्तियों का निस्तारण करता है जो सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा नियमता चकबंदी अधिकारी के पास भेजी जाती हैं। उसके बाद नंबर 2 है धारा 9 का की उपधारा 3 के अंतर्गत, यानी दूसरा जो है वो धारा 9 का की उपधारा 3 के अंतर्गत है, धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन आपत्तियों का निस्तारण करते समय चकबंदी अधिकारी न्यायालय की परिभाषा में आता है। यानी कि जो नंबर 2 पे बताया गया है कि धारा 9 का की उपधारा 3 के अंतर्गत धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन आपत्तियों का निस्तारण करते समय चकबंदी अधिकारी न्यायालय की परिभाषा में आता है। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 है धारा 9 खा के संबंध में। धारा 9 खा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चकबंदी अधिकारी सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण करता है। जो चकबंदी अधिकारी है वो धारा 9 खा के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण करता है। उसके बाद नंबर 4 है धारा 9 का चकबंदी अधिकारी संयुक्त ज्योतों का विभाजन करता है। धारा 9 गा में चकबंदी अधिकारी को अधिकार प्राप्त है कि जो संयुक्त ज्योते हैं, जो शामिल ज्योते हैं, उन ज्योतों का विभाजन करता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 5 है धारा 12 घा के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी ज्योतों के संयोजन का आदेश दे सकता है। उसके बाद नंबर 6 है धारा 21, नंबर 6 धारा 21 के अंतर्गत क्या प्राविधान है, चकबंदी अधिकारी प्रारंभिक चकबंदी योजना के विरुद्ध प्रस्तुत की गई आपत्तियों का निस्तारण करता है। नंबर 6 में है, नंबर 6 बताती है धारा 21 के संबंध में, 21 में क्या प्राविधान है, चकबंदी अधिकारी प्रारंभिक चकबंदी योजना के विरुद्ध प्रस्तुत की गई आपत्तियों का निस्तारण करता है। उसके बाद नंबर 7 है धारा 21
धारा 21 ये भी है और धारा 21 ये भी है। धारा 21 में दूसरा प्रावधान है, प्रारंभिक चकबंदी योजना के विरुद्ध प्रस्तुत की गई आपत्तियों के निस्तारण के पूर्व चकबंदी अधिकारी को स्थल निरीक्षण का कार्य पूरा करना चाहिए। नंबर 7 है, वो भी धारा 21 के संबंध में है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना के विरुद्ध प्रस्तुत की गई आपत्तियों का निस्तारण के पूर्व चकबंदी अधिकारी को स्थल निरीक्षण का कार्य पूरा करना चाहिए। आप देखते हैं नंबर आठ है धारा 38 के संबंध में। धारा 38 में क्या प्रावधान है? चकबंदी अधिकारी को साक्षियों को उपस्थित करने एवं साक्ष्य लेने के संबंध में वे समस्त अधिकार प्राप्त है जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं। चकबंदी अधिकारी को साक्षियों को उपस्थित करने एवं साक्ष्य लेने के संबंध में वे समस्त अधिकार प्राप्त है जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं। उसके बाद नंबर 9 में देखते हैं क्या है। नंबर 9 में है चकबंदी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्रवाई पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। नंबर 9 में बताया गया है कि चकबंदी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्रवाई पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। उसके बाद नंबर 10 है धारा 39, चकबंदी अधिकारी किसी व्यक्ति को लेख पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यानी कि चकबंदी अधिकारी धारा 39 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लेख पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। उसके बाद नंबर 11 है धारा 40। धारा 40 में प्रावधान है कि चकबंदी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई समझी जाएंगी। जो चकबंदी अधिकारी के समक्ष कार्रवाइयां विचाराधीन हैं उनको न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 12 है धारा 42 का। धारा 42 में यह प्रावधान है कि चकबंदी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए दस्तावेजों में हुई लिपिकीय एवं गणना संबंधी त्रुटि को दुरुस्त करता है। नंबर 12 में है जो धारा 42 का के संबंध में है, इसमें बताया गया है चकबंदी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए दस्तावेजों में हुई लिपिकीय एवं गणना संबंधी त्रुटियों को दुरुस्त करता है। उसके बाद नंबर 13 है धारा 29 की उपधारा 2 के संबंध, इसमें यह प्राविधान है कि इस अधिनियम की धारा 29 की धारा 1 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील चकबंदी अधिकारी के समस्त प्रस्तुत की जाती है। जो धारा 29(2) के अधीन इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 1 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील चकबंदी अधिकारी के समस्त प्रस्तुत की जाती है और चकबंदी अधिकारी द्वारा इस पर दिया गया निर्णय अंतिम होता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 14 है धारा 45 के संबंध में। धारा 45 में यह प्रावधान है कि चकबंदी अधिकारी सर्वेक्षण या सीमांकन आदि के उद्देश्यों से भूमि पर प्रवेश कर सकता है। धारा 45 में प्रावधान है, ये अधिकार है चकबंदी अधिकारी को कि वह सर्वेक्षण या सीमांकन के उद्देश्य से भूमि पर प्रवेश कर सकता है। अब देखते हैं नंबर 15 में है नियम 24 का के उपनियम 5 के अंतर्गत सिद्धांतों के विवरण के संबंध में चकबंदी अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी एवं चकबंदी समिति के बीच मतभेद को दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा न करने में यदि वह सफल ना हो तो अपनी राय के साथ उसे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पास भेज देगा। यानी कहने का मतलब है कि जो नंबर 15 उसमें नियम 24 का
के उपनियम 5 के अंतर्गत सिद्धांतों के विवरण के संबंध में चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के बीच में मतभेद को दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा करने में यदि वह सफल नहीं होता है तो अपनी रियाय के साथ बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष भेज देगा। अब देखते हैं नंबर 16 है नियम 28 के संबंध में। नियम 28 में यह प्रावधान है कि धारा 10 के अधीन तैयार पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर पर चकबंदी अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। नंबर 16 है जिसमें बताया गया है नियम 28 के संबंध में कि यह प्रावधान है नियम 28 में कि धारा 10 के अधीन तैयार पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर पर चकबंदी अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद नंबर 17 है नियम 98। नियम 98 है चकबंदी अधिकारी फर्त मुताबिक खसरा मुताबिक एवं खतौनी की 5% पृष्ठियों की जांच करेगा। जो नंबर 17 है उसमें नियम 98 में ये प्रावधान है, ये अधिकार है चकबंदी अधिकारी को कि चकबंदी अधिकारी फर्द मुताबिक खसरा मुताबिक एवं खतौनी की 5% प्रविष्टियों की जांच करेगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी कंसोलिडेशन ऑफिसर सीओ के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में, और ये भी जाना कि चकबंदी अधिकारी का क्या तात्पर्य है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस टॉपिक को, इस विषय को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।